चंद्रयान 2 मिशन सफल हो इसके लिए हर हिंदुस्तानी दुआएं कर रहा था। देश के वैज्ञानिक जिस मिशन के लिए वर्षों से मेहनत कर रहे थे और दिन रात एक किए हुए थे, देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी भी चंद्रयान 2 की पल पल की खबर ले रहे थे। लॉन्चिंग के 48 दिनों के इंतजार के बाद शनिवार तड़के उस समय झटका लगा जब लैंडर विक्रम से चंद्रमा के सतह से महज 2 किलोमीटर पहले इसरो का संपर्क टूट गया। इसके साथ ही 978 करोड़ लागत वाले चंद्रयान 2 मिशन का भविष्य भी अंधेरे में झूल गया। शनिवार तड़के लगभग 1:29 पर जब 30 किलोमीटर की ऊंचाई से 1680 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से 1471 किलोग्राम का विक्रम चंद्रमा की सतह की ओर बढ़ना शुरू किया, तब तक सब ठीक चल रहा था और गंतव्य से मात्र 2 किलोमीटर पहले उसका प्रदर्शन सामान्य था। उसके बाद लैंडर का संपर्क जमीन पर स्थित केंद्र से टूट गया। इस ऐतिहासिक क्षण को पूरा देश लाइव देख रहा था। सभी को इंतजार था चंद्रयान के सफलतापूर्वक लैंडिंग करने का, लेकिन अचानक विक्रम लैंडर से चंद्रमा की सतह से केवल 2 किलोमीटर पहले ही इसरो का संपर्क टूट गया। पूरे देश के साथ इसरो के वैज्ञानिक भी चिंतित हो गए। देश के प्रधानमंत्री ने सभी देशवासियों के साथ वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाते हुए कहा है, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, आगे भी हमारी कोशिशें जारी रहेंगी। हमें अपने देश के वैज्ञानिकों पर गर्व है। इसरो के कुछ अधिकारियों के अनुसार चंद्रयान 2 मिशन अभी पूरी तरह से फेल नहीं हुआ है, क्योंकि जिस ऑर्बिटर से लैंडर अलग हुआ था वह अभी भी चंद्रमा की सतह से 119 किलोमीटर से 127 किलोमीटर की ऊंचाई पर घूम रहा है। फिलहाल क्या रीजन है चंद्रयान से संपर्क टूटने का, इसका विश्लेषण किया जा रहा है। दोस्तों जल्द ही हाजिर होते हैं एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।